हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं। जी हाँ, दो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिग्रीज हैं इंडिया में, एम कॉम और दूसरा कौन सा है, जी एम बी ए। जी हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं मेरे स्टाइल में, जो कि बहुत फेमस है डिफरेंसेस के लिए। उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने वाले हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिग्रीज है इंडिया में, एम बी ए और एम कॉम के बारे में। अच्छा, ये दोनों डिग्री के कंफ्यूजन ये रहता है कि सर हमारा ग्रेजुएशन हो गया है, दोनों में से क्या ठीक रहेगा, एम बी ए ठीक रहेगा या एम कॉम ठीक रहेगा। अच्छा, बी कॉम वालों को अलग कंफ्यूजन है, उनको लगता है कि सर बी कॉम के बाद तो एम कॉम ही बनता है, तो क्या हम एम बी ए करने का रिस्क ले सकते हैं, या फिर बी बी ए के बाद ये कंफ्यूजन रहता है कि सर बी बी ए कर लिया है अब तो हमें एम बी ए ही करना पड़ेगा। तो दोनों के कंफ्यूजन, ये किसी भी फील्ड में आप हो, अगर आप एम बी ए या एम कॉम करने की सोच रहे हैं तो जो कंफ्यूजन है वो आज के वीडियो में पूरा दूर होने वाला है। तो थोड़ा पंचायती बंद करते हैं और सीधा चलते हैं वीडियो पे, देखते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिस दिख रहे हैं नियर अबाउट 13 बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर करना है मुझे, इस वीडियो के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इतना तो करियर काउंसलर और टीचर भी नहीं जानते होंगे जितना आप जान जाएंगे इस वीडियो के बाद, राइट। सबसे पहले देखेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, अगर 10th लेवल पे भी हैं, 10th क्लास के बच्चे भी हैं तब भी ये वीडियो समझ जाएंगे, राइट। फुल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नाम से ही पता लग रहा है बिजनेस वाली लाइन में मास्टर्स डिग्री अटेंड करनी, राइट। मास्टर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के मास्टर बनना एम कॉम का फुल फॉर्म है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, हो रहा है क्लियर। सेकेंड देखते हैं ड्यूरेशन, कितना समय लगता है इन दोनों डिग्रीज को कंप्लीट होने में, यहां पर 2 ईयर्स लगता है और वहां पर भी 2 ईयर्स, तो अभी तक कॉमन ग्राउंड में चल रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, 2 साल यहां पर 2 साल वहां पर। कभी कभी कई कई कॉलेजेस एमबीए 1 ईयर का भी देते हैं और एग्जीक्यूटिव एमबीए भी देते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो वहां पर वो 1 साल का भी होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द एमबीए प्रोग्राम कितने साल के होते हैं, 2 साल के। और या फिर देखा जाए तो मास्टर्स डिग्री इंडिया में ज्यादातर मास्टर्स डिग्री 2 साल की होती है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, अब कौन कौन प्यारे प्यारे बच्चे हैं एमबीए या एमकॉम परस्यू कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वेरियस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज का। देखिए, एमबीए के लिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, दैट मींस अगर आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, आप तीनों बच्चे एमबीए कर सकते हैं, वहां पर एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एमकॉम जिन बच्चों को करना है वहां पर आपके पास कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जी हाँ, 90% ऑफ द कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ बीकॉम वाले बच्चों को ही एमकॉम करने के परमिशन देते हैं, 90%। 10% अभी भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो साइंस और आर्ट्स के बच्चों को भी एमकॉम परमिशन दे देते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज है, राइट। तो एमकॉम करने के लिए यू हैव टू डन सम टाइप ऑफ कॉमर्स इन ग्रेजुएशन, कॉमर्स जो स्ट्रीम है वहां पर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए, बीकॉम करा हुआ होना चाहिए या उससे जुड़ा कोई भी आपने डिग्री प्रोग्राम करा हुआ होना चाहिए, राइट। हो रहा है क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे एज लिमिट क्या है, कौन से बच्चे या किस एज लिमिट तक आप एमबीए या एमकॉम कर सकते हैं। अपर एज लिमिट दोनों में ही नहीं है, तो अगर आपकी एज कुछ भी हो, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हमारी एज 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, हम एमबीए करना चाहते हैं, तो वहां पर मोस्ट वेलकम हो आप लोग भी, राइट। पढ़ने की कोई एज नहीं है और ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जान चुके हैं, राइट। तो एमकॉम या एमबीए दोनों के लिए आप किसी भी एज में हो आप एनरोल कर सकते हैं, फुल टाइम में भी और पार्ट टाइम में भी, राइट। रेगुलर भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, हो रहा है क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ स्टडी क्या है, इसको किस तरीकों से करा जा सकता है एमबीए और एमकॉम। एमबीए रेगुलर से करा जा सकता है, रोज कॉलेज जा सकते हैं, या फिर डिस्टेंस से आप कहीं पर भी हो, इंडिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटीज से आप डिस्टेंस में एमबीए कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, सेंटर अलॉट करे जाते हैं, सब कुछ आपको घर बैठे हो जाएगा, सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना है। डिस्टेंस एमबीए उन बच्चों के लिए सुटेबल है जो कि पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही वो जॉब कर रहे हैं, प्लस साथ ही में एमबीए कर सकते हैं आप डिस्टेंस से, राइट। सेम प्रेफरेंसेस या सुटेबिलिटी है यहां पर भी एमकॉम के लिए, एमकॉम भी आप रेगुलर मोड से या डिस्टेंस मोड से परस्यू कर सकते हैं, हो रहा है क्लियर। अभी तक सब कुछ इक्वल चल रहा है, राइट। आगे देखते हैं मोड ऑफ एडमिशन क्या है, एडमिशन कैसे लेते हैं वेरियस यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस। देखिए, आजकल एमबीए प्रोग्राम जो कि प्रेस्टीजियस माना जाता है, वहां पर हर अच्छे कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट होता है, आई रिपीट,
हर अच्छे कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट होता है, या तो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन एग्जाम के बेसिस पे, जैसे कैट हो गया, मैट हो गया, आरमेट हो गया, अलग अलग जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसके बेसिस पे, या फिर कॉलेज अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है। ये देखा गया है कम एमकॉम में, ज्यादातर एमकॉम कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं आपकी बीकॉम की परसेंटेज के बेसिस पे, लेकिन आजकल वहां पर भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न चालू हो गया है, क्योंकि सीट्स कम हैं, एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट ज्यादा हैं, तो फिल्टर करने के लिए दे हैव टू टेक देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन और प्रोवाइड एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनेशन का टाइप क्या है। मेजोरिटी ऑफ द एमबीए प्रोग्राम में सेमेस्टर सिस्टम चलता है और एमकॉम में आपका एनुअल सिस्टम चलता है, साल में एक बार ही एग्जामिनेशन होता है, यहां पर साल में दो बार, एक जून जुलाई में, एक नवंबर या दिसंबर में, राइट। हो रहा है क्लियर। कोर्स की फी, अब ये गेम चेंजर है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कोर्स की फीस एमबीए प्रोग्राम की इन एन एवरेज 1 लाख से लेकर 10 लाख, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच भी हो सकती है। अगर आप आईएम्स वगैरह की बात करें तो उनकी तो 10 से भी कहीं ज्यादा अबव है, राइट। तो एमबीए प्रोग्राम कॉस्टली पड़ता है, स्पेशली अगर ये रेगुलर की फीस देखें, रेगुलर एमबीए कर रहे हैं तो इतनी ही फीस आपको देनी पड़ेगी। अब देखिए चेंजेस देखिए, एमकॉम अगर आप कर रहे हैं अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में भी 1 लाख से कम में आपका एमकॉम हो जाएगा, तो ये गेम चेंजर डिफरेंस है इन बिटवीन एमबीए एंड एमकॉम, राइट। आगे देखते हैं चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपको पता है एमबीए प्रोग्राम में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, आज आप मार्केटिंग से लेकर, एचआर से लेकर, फाइनेंस से लेकर, होटल मैनेजमेंट से लेकर, डिजिटल मार्केटिंग से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, ऑपरेशन से लेकर, मैं नाम बोलता जाऊंगा रात हो जाएगी, राइट। इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं एमबीए प्रोग्राम्स, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड आप चूज कर सकते हैं एमबीए स्पेशलाइजेशन में। तो यहां पर लार्जर चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज बीन प्रोवाइडेड बाय द वेरियस कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट। एमकॉम में लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं कॉलेजेस वगैरह, राइट। लिमिटेड ये नहीं है कि यहां पर स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन यहां लिमिटेड है। बैंकिंग है, अकाउंटेंसी है आपका, मैनेजमेंट है आपका, इकोनॉमिक्स है आपका, है स्पेशलाइजेशन लेकिन लिमिटेड है, राइट। तो यहां पर MBA सुपरसीड करता है MCOM को, राइट। नेक्स्ट देखेंगे टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग मेथोलॉजी क्या होती है, बेसिकली फोकस एरिया क्या है, पढ़ाया क्या जाता है। यहां पर MBA में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी फोकस करा जाता है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाया जाता है, आपको इंडस्ट्रियल विजिट होती है, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है प्रैक्टिकली, ताकि आप इंडस्ट्रियल रेडी हो जाएं। इंडस्ट्री रेडी मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए के बाद ही आप जॉब करने लायक हो जाएं, राइट। ये मेन मकसद होता है एमबीए प्रोग्राम्स का। वहां पर एमकॉम अभी भी इसमें थोड़ा पीछे है, जहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज ना के बराबर है, मेन फोकस एरिया इनका है थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कराना कैंडिडेट्स को, थ्योरेटिकली एडवांस बनाना, राइट, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे टीचिंग मेथड के बाद है हमारा स्कोप क्या है, स्कोप किस एरिया में है, किस एरिया में ज्यादातर प्रेफरेंस मिलती है एमबीए या एमकॉम को। एमबीए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को प्रेफरेंस मिलती है कॉर्पोरेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, राइट। एमएनसीज वगैरह में आपको जॉब करना है, सो प्रेफरेंस पहले मिलेगी एमबीए को इन कंपेरिजन टू एमकॉम, हो रहा है। एमकॉम में स्कोप ज्यादा है टीचिंग में और रिसर्च फील्ड में, प्रोफेसर में अगर आप रिसर्च करना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आपको एमकॉम ज्यादा सुटेबल है इन कंपैरिजन टू एमबीए, राइट, क्लियर। अब देखते हैं प्लेसमेंट की असिस्टेंस हेल्प मिलती है क्या। मेजोरिटी ऑफ द अच्छे एमबीए कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट 100% प्रोवाइड होता है। हो सकता है प्लेसमेंट अच्छे पैकेज से ना हो, लेकिन असिस्टेंस तो प्रोवाइड कराते ही कराते हैं, दैट मीन्स आपका नौकरी तो वो लगवाते ही लगवाते हैं, असिस्टेंस तो प्रोवाइड कराते हैं। अच्छे कॉलेजेस का नाम ले रहा हूं मैं, राइट, हर अगल बगल या आस पड़ोस के कॉलेजेस में नहीं प्लेसमेंट मिलता है। 90% of the good colleges placed you in a good salary package, right? MCOM में इतना नहीं है। अगर मैं 90% of the good colleges की बात करूं तो MCOM में सिर्फ वो 10% ही ऐसे colleges हैं जो कि placement help provide कराते हैं आपको, MCOM के बाद आपकी job लगवाने का वादा करते हैं, बहुत कम ऐसे colleges हैं, पूरा clear? नेक्स्ट देखेंगे डिफिकल्टी लेवल, ऑल इंपॉर्टेंट। डिफिकल्टी लेवल क्या है, अगर सिलेबस की बात करूं, एमबीए को पढ़ने की बात करूं, एज ए स्टूडेंट बात करूं, तो ये एवरेज है, बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं है कि सर एमबीए कैसे कर रहे हैं, हमसे पास नहीं हो रहा, बैक ही बैक लगे जा रही है, 4 साल हो गए एमबीए नहीं हो रहा, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है।
इतने पैसे दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो जुगाड़ करेंगे ना आपके पास करने का। तो मेन चीज क्या है, एवरेज डिफिकल्टी लेवल है। ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बिना पढ़े पास हो जाएंगे ये भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 50% या 70% एफर्ट देनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर से आपको MBA पास आउट करना है। क्योंकि आपको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी मिलता है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट अ राइट जॉब। हो रहा है क्लियर? एमकॉम की बात करें तो ईजी है, राइट? आप प्राइवेट से कर सकते हैं, रेगुलर से कर सकते हैं, एग्जाम से एक महीने पहले भी पढ़ लोगे ना थोड़ा बहुत, तो आराम से एमकॉम पास कर लोगे, राइट? तो यहां पर डिफिकल्टी लेवल इजी है इन कंपैरिजन टू द एमबीए। हो रहा है क्लियर? तो आई होप 13 बेसिस के अकॉर्डिंग आपको एक एक चीज क्लियर हो गई। इनकेस अभी भी मेरे प्यारे बच्चों कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स आप बच्चों के लिए जो भी आपके क्वेश्चन है MBA MCOM से रिलेटेड, दिल खोल कर आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट? पर्सनल क्वेश्चन के लिए कैरियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप मुझे जब चाहे 24 आवर्स कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। जहां पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर सुनील अधिकारी नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, राइट? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।